तो अब नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है इंसुलिन जेनेटिकली इंजीनियरिंग, है ना। इंसुलिन बनाना जेनेटिक्स बायोटेक की मदद से। तो अभी दरअसल हम चैप्टर पढ़ रहे थे एप्लीकेशन वाला, बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशन है। तो हमने एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन पढ़ लिए, अभी हम मेडिसिन के क्षेत्र में एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। अब मेडिसिन में जो पहला एप्लीकेशन है जो हमारे सिलेबस में है वो ये है कि इंसुलिन बनाना बायोटेक की मदद से या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन बनाना। दरअसल इंसुलिन के बारे में आप जानते ही हो, इंसुलिन एक हार्मोन है जो जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, जब हम फूड जब एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, तब जब शुगर बढ़ता है, शुगर का लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, उस समय इंसुलिन निकलता है पेंक्रिया से और उसको कम कर देता है। तो कुछ लोगों में इंसुलिन कम निकलने लगता है पेंक्रिया से, और उन लोगों में जो शुगर का लेवल बढ़ गया वो बढ़ा ही रह जाता है। तो इस केस को, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, है ना। डायबिटीज मेलाइटस मीन्स हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो एडल्ट्स में डायबिटीज होता है। अब उसको किस तरीके से जो ब्लड शुगर बढ़ गया है उसको कैसे कम किया जाए, तो एक इसका वे है कि अगर हम इंसुलिन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, उसकी वजह से हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद जैसे ही डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, वैसे ही इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेंगे इंसुलिन का अमाउंट, इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट कर लेंगे, तो जो शुगर बढ़ेगा वो लेवल में आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से डायबिटीज को मैनेज किया जाता है इंसुलिन के डोजेस के द्वारा। और ये इंसुलिन लाया कहाँ से जाता है, कहाँ से आता है, इसका क्या सोर्स है। तो इसका सोर्स होता है वो कैटल्स और पिग्स, जिनको स्लॉटर किया जाता है ना, जिनको मांस के लिए, है ना। तो जो कैटल्स हैं, पिग्स हैं, उनको स्लॉटर किया जाता है। तो स्लॉटरिंग के दौरान या स्लॉटर्ड कैटल और पिग, एंक्रिया से इंसुलिन को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि किसी दूसरे एनिमल का अगर हम इंसुलिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, ये एक प्रोटीन ही है ना, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है, प्रोटीन ही है, तो हमारी बॉडी में दूसरे एनिमल का प्रोटीन अगर जाएगा ब्लड में तो डेफिनेटली ये एलर्जी कॉज करेगा। हाँ, ये जरूरी नहीं कि सभी लोगों को करे, लेकिन कुछ पेशेंट को, कुछ लोगों को तो एलर्जी क्रिएट करेगा, एलर्जी एराइज होगी। और कुछ रिएक्शंस आते हैं, है ना, आपने देखा होगा कि ये मेडिसिन रिएक्ट कर गई, रिएक्शन कर गई। तो रिएक्शन वही है कि बॉडी में फॉरेन प्रोटीन गया, कोई बाहरी प्रोटीन गया, तो उसके खिलाफ हमारा जो इम्यून सिस्टम है कुछ रिएक्ट करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं जब हम किसी दूसरे एनिमल का जो इंसुलिन है वो अपनी बॉडी में डालें। तो फिर बायोटेक्नोलॉजी वो रास्ता था जिसकी मदद से वो इंसुलिन बन सकता है जो ह्यूमन का जीन कोड करता है। तो ह्यूमन का जीन निकालें और उस जीन को बैक्टीरिया में डालें, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन, है ना। तो अब हम अगर स्ट्रक्चर देखें इंसुलिन का, मॉलिक्यूल देखें इंसुलिन का, तो ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूल है इंसुलिन का। ये वाला जो देख रहे हो ये तो इंसुलिन है जो एक्टिव फॉर्म, और ये वाला है वो प्रो इंसुलिन है, जैसे प्रो एंजाइम होता है, एंजाइम होता है, तो ये एक्टिव है, ये फंक्शनल है, लेकिन ये वाला नॉन फंक्शनल है। आखिर इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये पेप्टाइड चेन है,
एक दूसरी पेप्टाइड चेन है, तो ए चेन हो गई, दूसरी बी चेन हो गई पेप्टाइड की, और दोनों चेन सल्फाइड बोन से अटैच है, है ना। इनके बीच में जो सल्फाइड बोन है दोनों चेन्स को बांध के रखा है। तो इस तरह से ए चेन और बी चेन प्रेजेंट होती है किसमें, इंसुलिन। लेकिन अगर हम प्रो इंसुलिन की बात करें, प्रो हार्मोन की बात करें, तो इसमें ए चेन तो है ही, बी भी है, एक एडिशनल चेन है सी चेन, है ना, एक और एडिशनल पेप्टाइड है, और उस पेप्टाइड चेन को हम बोल रहे हैं क्या, सी चेन। तो जब शुरू में जो फॉर्म होता है हार्मोन, उसमें एक एडिशनल सी पेप्टाइड होता है, लेकिन जब हम, या हमारी सेल जो पैंक्रियाटिक सेल्स होती हैं, उनसे जब ये सेल्स जब इसको सीक्रेट करती हैं इस हार्मोन को ब्लड में, तो उससे पहले जब ये प्रोटीन बनेगा, जब ये हार्मोन बनेगा सेल में, उसके बाद ये वेसाइकिल के अंदर पैक किया जाता है, है ना, वेसाइकिल्स के अंदर पैक किया जाता है। तो वेसाइकिल्स में ही एक एंजाइम इस सी पेप्टाइड को कट करके रिमूव कर देता है, है ना, वेसाइकिल के अंदर, मींस ट्रांसपोर्ट होने से पहले, जस्ट पहले इस सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो अब जो समस्या है, या समस्या थी, वो ये थी कि हम अगर इंसुलिन का जीन ले लें, है ना, ह्यूमन से इंसुलिन का जीन निकालें, और वो जीन अगर हम बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में उसको अटैच कर दें, इंसर्ट कर दें, तो फिर ये पूरा ए सी और बी सभी चेन, सभी पूरा सीक्वेंस मिलता। लेकिन फिर हम इस स्पेसिफिक साइट से कैसे कट करके इसको एक्टिव मींस इंसुलिन बनाए। तो एक कंपनी थी, या कंपनी है, है ना, जिसने इस चैलेंज को किस तरह से, है ना, इसको वो किया, वर्कआउट किया फाइनली। तो इसका मेन चैलेंज यही था, द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर, है ना। तो मैच्योर फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये सबसे बड़ा टास्क था। तो जो एली लिली कंपनी है, ये अमेरिका की, इसने 1983 में इस चीज को किस तरह से सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को, वो देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एली लिली कंपनी ने, कि ह्यूमन सेल से जो ए पेप्टाइड को कोड करने वाला जीन था उसको अलग निकाल लिया, और बी पेप्टाइड को कोड करने वाला जो सीक्वेंस था उसको अलग निकाल लिया, और वो दोनों प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया अलग अलग, ठीक है। तो वो प्लाज्मिड में ए सब यूनिट वाला जो जीन था, ए सब यूनिट वाला जो जीन था वो इंसर्ट कर दिया, और दूसरे प्लाज्मा में, दूसरे जो वेक्टर है ये, उसमें बी जीन का, इंसुलिन का जो बी पेप्टाइड है वो वाला सेगमेंट इंसर्ट कर दिया, और प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जब उसे हम, तो ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा ये प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ये दिखाई दे रहा है हमें, ये इस प्लाज्मिड में बीटा ग्लेक्टोसाइडेज का जीन भी मौजूद है, बीटा ग्लेक्टोसाइडेज का जीन भी मौजूद है। तो हम जानते हैं कि कई बार जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, तो प्रोकैरियोट में तो पॉलीसिस्टोनिक जीन होते हैं, मीन्स एक बार में ही कई प्रोटीन्स पॉलीमराइज हो जाते हैं, ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो यहाँ ये बीटा ग्लेक्टोसाइडेज बन गया, और ये हमें दिखाई दे रहा है ये
ए चेन बन गई इंसुलिन की। ऐसे यहां देख रहे हैं, यहां भी बीटा ग्लाइकोसाइडेज बन गया और साथ ही साथ बी चेन बन गई इंसुलिन की। ठीक, हमने इसको आइसोलेट कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज है इनको रिमूव कर दिया और हमारे पास बच गई ए चेन और बी चेन। ठीक है, अब ए और बी चेन को हमने दरअसल डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको अटैच कर दिया, और डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये अटैच होने के बाद इसका मतलब हमारे पास इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन जो वर्किंग होता है ना, जो फंक्शनल होता है, वो बन गया। ठीक है, अब तो जो ये इंसुलिन है वो ह्यूमन का बन गया। जो हमारे पास चैलेंजेस आते थे कि वो रिएक्ट करेगा या फिर एलर्जी होगी, वो इससे समाधान हो गया, वो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। दरअसल पिछला जो लेक्चर था, पिछला जो वीडियो था, उसमें जो क्वेश्चन थे वो एक स्टूडेंट ने केवल आंसर लिख के भेजे, बाकी किसी ने नहीं भेजे, तो आप लगातार वो क्वेश्चन के आंसर करके मुझे भेजो, जिससे मैं प्रॉपर लेक्चर अगला आपको डिलीवर कर सकूं और नेक्स्ट होमवर्क दिख सकूं, है ना। तो फिर इसको आप कंप्लीट करके भेजो, इसको तो पढ़ लो, नोट्स बना लो, इसको समझ लो अच्छे से, और पिछले क्वेश्चन के आंसर्स लिख के